और फ्रेंड्स, मैं आप सभी से थोड़ा सा वेदर का व्यू जो शेयर की हूँ। हमारे यहाँ नाइट से ही बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत अच्छा मौसम हो गया है, बहुत सुहाना मौसम। और इसी के साथ मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे मैं मोदक बनाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैं पनीर और मैदे के साथ में मैं मोदक बनाऊँगी, जो कि बहुत ही डिलीशियस होता है, बहुत टेस्टी भी होता है। और मैं वही वीडियो आप सभी से शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं किचन में मोदक की तैयारी चल रही है बनाने की। तो यहाँ पे मैं पनीर घर पे ही बनाई थी। पनीर और मैदे को हमने एक चम्मच पहले घी डाली और दोनों को मिक्स की और इसको अच्छी तरह से मैंने पेस्ट बनाया। यहाँ पे एक कटोरी दूध का इस्तेमाल किया है ताकि जो मैदा है वो अच्छी तरह से पक जाएगा, तभी इसका डो जो है अच्छे से तैयार होता है मोदक का। तो यहाँ पे हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया और अब मैं इसमें थोड़ा सा घी डाली हूँ और इसको अच्छी तरह से मसल लेना है ऐसे ही। तो यहाँ पे मैं मसल रही हूँ। अभी थोड़ा गर्म है इसलिए थोड़ा ठंडा हो जाने से मसलने में अच्छा रहता है, तो अभी थोड़ा गर्म था। तो यहाँ पे हमने ऐसे ही थोड़ा थोड़ा घी डालते हुए इसको अच्छी तरह से मसल लिया है। ऐसे ही मसलना है ताकि इसका मोदक परफेक्ट और अच्छी तरीके से बन जाए। तो यहाँ पे फाइनली हमने डो तैयार कर ली और ऐसे ही मसलते हुए मैं इसको साइड में रख दूँगी। अब मैं कढ़ाई रखी हूँ गैस पे और एक चम्मच मैं यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल की हूँ और इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स कट किया हमने, जिसमें कि काजू है, बादाम है और थोड़ी सी हमने किशमिश का इस्तेमाल किया है। और उसको मैं रोस्ट कर लूँगी यहाँ पे। रोस्ट करके और मोदक के अंदर जो फिलिंग भरने से बहुत टेस्टी मोदक बनता है। तो ऐसे ही मैं चलाते हुए इसको 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लूँगी। भूनने से इसमें क्रंचीपन आ जाता है और बहुत टेस्ट में काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ फाइनली हमने भून लिया है। मैं एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर दी हूँ और इसको ठंडा होने दूँगी थोड़ी देर तक। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स जो है वो ठंडा हो चुका है। और इसमें मैं थोड़ी सी इलायची हमने डाला है और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ एक कटोरी के तकरीबन कोकोनट पाउडर। कोकोनट पाउडर डालना ज़रूरी होता है मोदक में। और हमने थोड़ी सी शुगर डाली है। शुगर आप चीनी का इस्तेमाल अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ज़्यादा मीठा खाना नहीं पसंद तो थोड़ा मिलाइए, तो आप अपने अनुसार मीठे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे फाइनली हमने फिलिंग भी तैयार कर ली है। तो अब मैं मोदक बना रही हूँ, आप सभी से शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं मोदक मोल्ड से बना रही हूँ। मोल्ड से जो है कि परफेक्ट और अच्छी तरीके से बन जाता है, जो फिलिंग है वो अच्छे से भर जाती है। हाथ से भी बनता है बट थोड़ा फटने का भी चांस रहता है, मोल्ड से फटता नहीं है और बिल्कुल परफेक्ट और अच्छे से तैयार हो जाता है मोदक। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ और आप सभी से शेयर कर रही हूँ। ऐसे ही करते हुए अच्छी तरह से इसको पेस्ट को मैं अच्छी तरह से मोल्ड में चारों तरफ से चिपका लूँगी। इसके बाद मैं इसमें फिलिंग भरूँगी जो हमने ड्राई फ्रूट्स का फिलिंग तैयार किया है। तो अब मैं यहाँ पे फिलिंग को भर रही हूँ। हाँ, तो ऐसे ही दबाते हुए और मैं फिलिंग को भर लूँगी। अब मैं इसको लॉक कर दूँगी, ऐसे ही लॉक कर देना है अच्छी तरह से ताकि मोदक फटे नहीं। तो ऐसे ही 1 by 1 करके मैं सारे मोदक तैयार कर लूँगी और बहुत ही परफेक्ट और अच्छी तरीके से बन गया था और बहुत स्वाद में बहुत ही स्वादिष्ट। और यही मैं गणपति बप्पा को अर्पित करने के लिए बना रही हूँ, क्योंकि
गणेश चतुर्थी पे बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कहीं कहीं 10 दिन तक गणेश चतुर्दशी मनाई जाती है और अपने अनुसार लोग सेलिब्रेट करते हैं, कोई 2-4 दिन 5 दिन अपने हिसाब से लोग करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही 1 by 1 करके बना रही हूँ और आप सभी से शेयर कर रही हूँ। तो आप देखिए आप सभी लोग कितना परफेक्ट और अच्छा बन रहा है, देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा था। तो सभी मोदक बहुत ही परफेक्ट और अच्छे से बन गए थे, सारे मोदक बहुत सुंदर लग रहे थे। वैसे भी मोदक हमें बहुत पसंद है, तो यहाँ पे हमने बना ली है। अब मैं इसको गार्निश की हूँ केसर से और देसी घी से गार्निश किया है हमने। केसर और देसी घी से गार्निश करने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। तो यही थी हमारी मोदक रेसिपी, तो फ्रेंड्स आप सभी को बहुत पसंद आएगी और आप सभी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और यहाँ पे हमारे सारे मोदक ऑलरेडी तैयार हो गए हैं और मैं भी तैयार हो गई हूँ। यही साड़ी हमने आज पहनी है गणेश चतुर्थी पे और अब मैं पूजा करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे हमने भगवान को प्रसादी चढ़ा दी और पूजा भी मैं कर ली और आप सभी से शेयर की हूँ। तो फ्रेंड्स यही रहा हमारा गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन। होप कि हमारी वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आएगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं आज आप सभी को गणेश चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि गणेश भगवान सबके जीवन में खुशी और उल्लास के साथ सभी के घर में आए। तो यही होप होगी। और ये देखिए हमने बनाया है मोदक, मैं मोदक बनाई हूँ गणपति बप्पा के लिए और बहुत ही अच्छा बना था। हमने यहाँ पे मोल्ड से बनाया था इसको, ऐसे सांचे से बनाई हूँ मैं मोदक वाले, लेकिन बहुत ही अच्छा मोदक, टेस्टी मोदक बना था। और यही हमने गणपति बप्पा को अर्पित की है और आप सभी से शेयर कर रही हूँ। तो होप कि हमारी ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आएगी। और अगर जो हमारी ये वीडियो आप सभी को पसंद आती है तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर जो हमारी वीडियो आप सभी को अच्छी लगती है तो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ एक अच्छी सी सच्ची सी ब्यूटीफुल ब्लॉग के साथ।